हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी की सूखी सब्जी, जिसमें हम लहसुन प्याज और टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। फूल गोभी की ये सूखी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं फूल गोभी की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए। मैंने थोड़ी सी फूलगोभी ली है, ये वेट में 150 ग्राम्स है। फूलगोभी काफ़ी बड़े साइज़ का था, इसलिए मैंने यहाँ इसके पीस करके लिए। तो ये एक मीडियम साइज़ का फूलगोभी आप ले लीजिए। और हमें चाहिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, और हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़े से करी लिप्स, दो पिंच हमें हींग चाहिए, और एक चौथाई छोटा चम्मच गर्म मसाला, और एक छोटा चम्मच जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट, और दो से तीन छोटा चम्मच बेसन, एक बड़ा चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती। हमें साथ में चाहिए एक से डेढ़ बड़े चम्मच खट्टा दही, आप फ्रेश दही भी ले सकते हैं, और साथ में नमक और तेल भी चाहिए। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम फूल गोभी को पतले पतले पीस में कट करेंगे। फूल गोभी फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी पकता है, लेकिन इसके जो डंठल होते हैं उसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ काटते समय इसके डंठल को पतला करेंगे, फूल गोभी को नहीं। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे फूलगोभी को काट कर तैयार कर लिया, और दो पानी से इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ हमें फूलगोभी को हल्का सा उबालना है, तो मैंने यहाँ 1/2 लीटर पानी लिया है। अब फूलगोभी को इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच नमक, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और इस प्रकार से इसे हम ढक देंगे। तो पानी उबलना शुरू हो गया है, और इसे हम चला देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बहुत ही हल्का सा उबालना है। तो फूल गोभी को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसका पानी हम निकाल देंगे। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। एक बड़ा सा हम बॉल लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही, और इसमें हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ मैंने नॉर्मल चम्मच ली है, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच बेसन डाला है, और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और ये 1/4 छोटा चम्मच गर्म मसाला, 1 छोटा चम्मच जिंजर ग्रीन चिली का पेस्ट, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। फूल गोभी को उबालते समय भी नमक मैंने यूज़ किया है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सारे मसाले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। फूल गोभी हमारी ठंडी हो गई है, इसी में हम डाल देंगे। तो इसे हम बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि फूल गोभी हमारी ऑलरेडी उबली हुई है, तो इसके पीस जो है टूटने नहीं चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। तो चलते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा डालकर हम इसे चेक करेंगे। तो ऑयल अच्छे से हीट हो गया, इसमें डालेंगे जीरा, राई, और साथ में डाल देंगे हींग। राई को हम कुछ सेकेंड चटकने देंगे। तो राई हमारी अच्छे से चटकने लगी, इसमें डाल देंगे करी पत्ती, और साथ में डाल देंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। कुछ सेकेंड इसे हम पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये फूल गोभी। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, और इस प्रकार से इसे हल्के हाथों से चलाते हुए हमें इसे खुला कम से कम 2 मिनट पकाना है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे, और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो कम से कम हमें ये 3 से 4 मिनट पकाना है ढककर। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट ढककर और 1 से 2 मिनट बाद में खुला पकाया है। तो ये सब्जी हमारी तैयार है। इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, और इसे प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, फूल गोभी की सूखी सब्जी हमारी तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है सब्जी। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगी बच्चों को। मुझे ये सब्जी सूखी खानी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।